पेनी स्टॉक क्या है, पेनी स्टॉक का आखिर मतलब क्या होता है, क्या पेनी स्टॉक खरीदना काफ़ी ज़्यादा रिस्की है, क्या पेनी स्टॉक खरीदने से बदल सकता है आपकी किस्मत, ये सारे सवालों का जवाब पेनी स्टॉक से रिलेटेड आपके दिल और दिमाग में जितना भी सवाल है वो सारे सवालों का जवाब आपको आज की इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। देखो, पेनी स्टॉक्स के बारे में बताने से पहले मैं आप लोगों को शेयर मार्केट का एक ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा जिस फॉर्मूले के अगर आप हमेशा अपने दिमाग में फिक्स रखते हो ना, तो मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि शेयर मार्केट में आप कभी डूबोगे नहीं, शेयर मार्केट में कभी भी आपका पैसा डूबेगा नहीं अगर आप इस फॉर्मूले को याद रखते हो। इस फॉर्मूला का नाम है RR, मतलब कि डबल R। अब इसका डेफिनेशन मैं वीडियो के एंड में दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दे रहा हूँ कि आखिर पेनी स्टॉक्स होता क्या है। देखो, शेयर मार्केट में काफ़ी सारा कंपनीज लिस्टेड है, मतलब कि आप किसी भी डीमेट अकाउंट को ओपन करोगे तो वहाँ पे आपको हज़ारों कंपनीज का शेयर दिखेगा, वहाँ पे आपको रिलायंस इंडस्ट्री भी दिखेगा, वहाँ पे आपको टाटा के शेयर्स भी दिखेंगे, वहाँ पे आपको अदानी के शेयर्स भी दिखेंगे, और ना जाने ऐसे कितने हज़ार कंपनीज है जिन कंपनी का नाम आपको खुद भी पता नहीं होगा, उन कंपनी का शेयर भी आपको शेयर मार्केट में दिखेगा। अब यहाँ पे सवाल आता है कि इतने सारे कंपनीज के शेयर में से पेनी स्टॉक आखिर किसे कहा जाता है। तो देखो, पेनी स्टॉक्स का कोई फाइनल डेफिनेशन तो नहीं है, लेकिन इतना आप जान लो कि पेनी स्टॉक्स उसे कहा जाता है, उस कंपनी के शेयर्स को कहा जाता है जिस कंपनीज के एक शेयर का प्राइस अगर 20-25 रुपये से कम हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी 2022 चल रहा है, तो अभी अगर आप अपने डीमेट अकाउंट में जाकर रिलायंस इंडस्ट्री सर्च करोगे तो लगभग आपको 2400 से 2500 एक शेयर का प्राइस दिखेगा। वहीं पे अगर आप TCS को सर्च करोगे तो लगभग 3000 का करीब दिखेगा, लगभग। ये आने वाले टाइम में बढ़ भी सकता है, लेकिन अभी का जो एग्जैक्ट फिगर है वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अभी TCS का प्राइस 3000 दिखेगा। तो इसी तरह से हर एक कंपनी का अपना अपना शेयर प्राइस होता है, शेयर मार्केट में हर एक कंपनी का अपना अपना एक शेयर प्राइस होता है। अब यहाँ पे कुछ कंपनी का शेयर प्राइस, मतलब कि कुछ कंपनी का एक शेयर का प्राइस बहुत ज़्यादा कम रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, 20 से 25 रुपया का अगर कोई शेयर मिल रहा है, किसी कंपनी का शेयर मिल रहा है, तो उसे बोला जाता है पेनी स्टॉक्स। यहाँ पे एक रुपया का भी अगर कोई शेयर को खरीद रहे हो तो उसे भी बोला जाता है पेनी स्टॉक्स। अब इसका एक और डेफिनेशन है, सपोज किसी कंपनी का, किसी XYZ कंपनी का मार्केट कैपिटल अगर 1000 करोड़ से कम हो, मतलब कि किसी कंपनी का जो मार्केट कैपिटल है उसको चेक करना आई होप कि आप लोगों को आता ही होगा। अगर नहीं आता तो डीमेट अकाउंट में जाकर किसी भी XYZ कंपनी को क्लिक करो, नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करोगे तो दिख जाएगा मार्केट कैपिटल। तो जो कंपनी का मार्केट कैपिटल 1000 करोड़ से कम है तो उसे माना जाता है, ऐसा कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है कि हाँ वही पेनी स्टॉक्स है, लेकिन आप मान सकते हो कि हाँ भाई इसका मार्केट कैपिटल काफ़ी ज़्यादा कम है, तो उसे आप बोल सकते हो ये भी एक पेनी स्टॉक्स है। आई होप कि आपको पेनी स्टॉक्स क्लियर हो गया होगा। जिस कंपनी का एक शेयर का प्राइस अगर 25 रुपये से कम हो और उसके साथ ही साथ जिस कंपनी का ओवरऑल जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो अगर 1000 करोड़ से कम हो, तो उसे आप बोल सकते हो पेनी स्टॉक्स। तो आई होप कि पेनी स्टॉक्स क्या है, आखिर पेनी स्टॉक्स होता क्या है, ये सवाल का जवाब तो आप लोगों को मिल ही गया होगा। लेकिन इसके साथ ही साथ अब आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि पेनी स्टॉक्स कितना ज़्यादा रिस्की है और क्या पेनी स्टॉक्स खरीदने से बदल सकता है आपकी किस्मत। तो देखो, बात अगर किस्मत की है तो किस्मत तो आपकी तभी बदलेगी जब आप शेयर मार्केट में अच्छी कंपनीज में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हो, और शेयर मार्केट में अच्छी कंपनीज वही होती है जिस कंपनी का फंडामेंटल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। अब बात जब पेनी स्टॉक्स की है तो अगर किसी पर्टिकुलर कंपनी का एक शेयर का प्राइस अगर 2-3 रुपया है तो आप उस कंपनी से क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर किसी कंपनी का शेयर का प्राइस 1-2 रुपया में ट्रेड करता हुआ आपको दिख रहा है, तो अगर उस कंपनी पर अगर आप पैसे को इन्वेस्ट करते हो और करोड़पति बनने का सपना देख रहे हो अगर आप, तो मार्केट में इतना हज़ार लोग हैं, सबको आकर पेनी स्टॉक्स को खरीद कर अमीर क्यों नहीं बन जाता। बात समझ में आई? पेनी स्टॉक्स में पैसा लगाने से पहले आपको सबसे पहले अपना दिमाग लगाना होगा कि अगर किसी कंपनी का शेयर का प्राइस इतना ज़्यादा कम है तो कम आखिर क्यों है। रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर का प्राइस क्यों 1-2 रुपया नहीं है, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री बहुत बड़ा कंपनी है। अब यहाँ पे आप ये मत समझ लेना कि बड़ी कंपनी का शेयर का प्राइस ज़्यादा रहता है, छोटी कंपनी का शेयर का प्राइस कम रहता है, ये एक अलग चैप्टर है। लेकिन अगर 1-2 रुपया का कोई शेयर आपको मार्केट में मिल रहा है तो उस कंपनी से आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो, उस कंपनी में कुछ है ही नहीं इसलिए उसका शेयर का प्राइस इतना ज़्यादा कम है। देखो, शेयर मार्केट डिमांड एंड सप्लाई पे चलता है। जिस कंपनी का शेयर का प्राइस का जितना ज़्यादा मार्केट में डिमांड होगा उतना ज़्यादा महंगा होगा उस कंपनी का शेयर का प्राइस।
तो अगर किसी कंपनी के शेयर का प्राइस इतना ज़्यादा कम है तो आपको मान लेनी चाहिए कि इस कंपनी का शेयर का कोई डिमांड ही नहीं है मार्केट में, और डिमांड तभी नहीं है क्योंकि उस कंपनी में कुछ है ही नहीं, उस कंपनी में कोई क्वालिटी, कोई फंडामेंटल्स वगैरह कुछ ठीक है ही नहीं, इसलिए उस कंपनी का शेयर का प्राइस इतना ज़्यादा कम है। अभी मैं आप लोगों को वीडियो का जो स्टार्टिंग में बोला था वो फॉर्मूला काम देगा, RR, इसका फुल फॉर्म है रिस्क प्लस रिटर्न। शेयर मार्केट यही RR फॉर्मूले से ही चलता है। अगर किसी कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया और वहाँ पे आपका काफ़ी ज़्यादा अगर कम रिस्क है, वो कंपनी काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रांग है, वहाँ पे अगर आपका रिस्क कम रहेगा ना तो वहाँ पे आपका रिटर्न जो बनने के चांसेस रहेगा वो भी काफ़ी ज़्यादा कम रहेगा। उसके ऑपोजिट अगर आप कोई ऐसी कंपनीज में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हो जहाँ से आपका पैसा डूबने के चांसेस काफ़ी गुना रहे, जहाँ पे आपका रिस्क काफ़ी ज़्यादा रहे, तो वही कंपनी आपको 10 गुना 20 गुना यहाँ तक कि 100 गुना आपके पैसे को करने की कैपेबिलिटी रखता है, लेकिन वहाँ पे रिस्क भी, आपका पैसा डूबने का भी चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। तो अगर आप पेनी स्टॉक्स में पैसे को इन्वेस्ट करते हो तो वहाँ पे आपका पैसा डूबने के चांसेस भी रहेगा, वहाँ पे आपका पैसा 10 गुना 20 गुना होने के भी चांसेस रहेगा। तो पेनी स्टॉक्स में आपको उतना ही पैसा इन्वेस्ट करना है जितना पैसा आप खोने से नहीं डरते। आप इसे ऐसा मान के चल सकते हो कि पेनी स्टॉक्स में आपने जितना भी पैसा लगाया वो पैसा आप मान लीजिए कि वो पैसा आपका डूब गया, इतना ज़्यादा रिस्की रहता है पेनी स्टॉक्स। तो अगर शेयर मार्केट में आप किसी भी शेयर पर इन्वेस्ट करते हो तो भाई आप अपने रिस्क पर करना, किसी का बात सुनकर या फिर कहीं से मोटिवेट होकर आकर किसी कंपनी में इन्वेस्ट मत कर देना, ये करना आपके पैसे के लिए बहुत ज़्यादा रिस्की साबित हो सकता है। देखो शेयर मार्केट में काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनी है, काफ़ी अच्छा अच्छा सेक्टर भी है, वो कंपनी में इन्वेस्ट करो ना, थोड़ा रिटर्न कम मिलेगा लेकिन काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहेगा कि आपका पैसा काफ़ी ज़्यादा सेफ रहे। अगर ऐसी कंपनी, ऐसा सेक्टर का आप तलाश करते हो तो भाई तलाश करना छोड़ो, ये लेफ्ट वाली वीडियो देख लो, यहाँ पे मैंने 5 ऐसे कंपनी और 5 ऐसे सेक्टर का नाम बताया है जो कंपनी और जो सेक्टर आने वाले टाइम में धमाका करने वाला है।